ताकि कोरोना ना बने काल। दुनिया के कई देशों में कोरोना के चलते बिगड़ते हालातों को देखते हुए डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में तमाम बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। दवाओं, स्टाफ और अन्य जरूरी साजो सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। यही नहीं, जिला अस्पताल में 150 बेड रिजर्व कर लिए गए, वहीं 60 बेड आइसोलेशन के लिए रखे गए हैं। साथ ही 53 वेंटिलेटर भी तैयार कर लिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी ने फिर से बहुत तेजी से पैर पसार लिए हैं। वहीं कई देशों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इधर भारत में कोरोना की फिर से दस्तक की आहट से राजस्थान सरकार के साथ डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डूंगरपुर में कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। पिछली बार कोरोना की महामारी वाली लहरों से हुए नुकसान को देखते हुए तैयारियों की इस बार जमीनी स्तर पर जांच की जा रही है। महामारी के चलते कई लोग काल के ग्रास बने थे और बड़े स्तर पर लोग कोरोना महामारी के दूसरे प्रभावों के कारण आज भी पटरी पर नहीं आ सके। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र के निर्देशन में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। देखिए, अभी सबको विदित है कि खासकर चाइना और जो विदेशों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से जैसे केंद्र सरकार भी हाई अलर्ट मोड पे आ गई है और राज्य सरकार ने भी हाई अलर्ट मोड पे है, तो उसी के संदर्भ में आज जो है हमारी भी तैयारियां पूरी है। डॉक्टर महेंद्र डामोर बताते हैं कि संभावित कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए अस्पताल में 150 बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। 150 में से 80 प्री फैब्रिकेटेड बेड हैं, जिन पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए सप्लाई हो सकती है। वहीं 60 बेड आइसोलेशन के लिए रखे गए हैं। विशेष परिस्थिति में मरीज की गंभीर हालत होने पर आईसीयू के 38, पीआईसीयू के 30, एफएनबीसी के 12, एनआईसीयू के 30 बेड भी उपलब्ध हैं। साथ ही 53 वेंटिलेटर भी तैयार हैं, जो क्रिटिकल कैटेगरी के मरीजों की जिंदगी बचाने में अहम साबित होंगे। वहीं 165 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अस्पताल के पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा मास्क, पीपीई किट और दूसरी डिस्पोजेबल सामग्री भी रेडी स्टॉक में है। हमारा 80 बेड का प्री फैब्रिकेटेड वार्ड पूरा तैयार हो गया है, उसमें हमने 60 बेड और आइसोलेशन के लिए अभी तैयार हो गए हैं, वो भी उसकी भी तैयारी पूर्ण है। आईसीयू के बेड हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, जो कि 38 है। पीआईसीयू है, उसमें भी 30 बेड है। एफबीएनसी में 12 बेड है, एनआईसीयू में 30 बेड है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए 3 प्लांट चालू हालत में हैं, जिनकी जांच कर ली गई है। वहीं बैकअप के लिए 374 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरवा कर रख लिए गए हैं। किसी सूरत में अगर तीनों प्लांट एक साथ बंद हो जाते हैं तो इन ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जा सकेगा। डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि स्टाफ को लेकर भी तैयारी कर ली गई है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन आरटीपीसीआर जांच के लिए प्रयोगशाला में टेक्नीशियन की डिमांड सरकार को भेज दी गई है। वैसे तो सारे ट्रेंड है, लेकिन एक बार और ट्रेनिंग दे दी है। तो कुछ नए नर्सिंग स्टाफ आए हैं, तो उनको भी हमने सेंसिटाइज कर दिया है कोविड को लेकर। लैब टेक्नीशियंस और सैंपलिंग भी बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस, जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई थी, जो भी आईएलआई पेशेंट है उनकी जो सैंपलिंग बढ़ानी है, उसके लिए भी हमने ऑर्डर निकाल दिया है मेडिसिन विभाग और ईएनटी विभाग, जहां पे भी आईएलआई के पेशेंट आते हैं। जिस तरीके से दुनिया के कई बड़े देशों में कोरोना महामारी ने एक बार फिर हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं, उससे सबक लेते हुए देश और खासकर प्रदेशों में भी सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। सरकार की तरफ से हाल ही में पूरे देश में कोरोना को लेकर एक मॉक ड्रिल भी करवाई गई। खैर, कोरोना की फिर से आहट को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन सबसे अहम है आम नागरिक की सतर्कता और जागरूकता, ताकि वे भी कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग के साथ दूसरी सभी सावधानियां बरतें। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।
ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।